हेलो फ्रेंड नमस्ते। मैं तुषार चौधरी आपके लिए लेता हूँ सितंदियल का ओल्ड पेपर या मंथली टेस्ट जो फरवरी 2020 तो आता है इसके ऑल क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। तो जब भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो पेन टॉफी लेता भेजे हो। यह टेस्ट तो बहुत इजी तरीके से सॉल्व किया तो आप पेन और टॉफी लेता भेज जाइए और यह वीडियो सब आप पहुँचना चाहिए। तीते शाम क्वेश्चन हो तो सॉल्व करते हैं। ये देखो यह क्वेश्चन है दिया है आप तो 5 की पावर -2। अब जब माइनस रहती किसी भी चीज़ की पावर तो अपॉन में पावर आ तो क्या हो जाएगा, यह आंसर हो जाए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/25। शेतन क्वेश्चन ये चल, ये शेतन तो यदि क्रमादर संख्या होता योद 126 है तो प्रथम संख्या जाता। हम देखो इससे में तो ये क्रमादर संख्या है पूछी नहीं, अपन क्या पूछा है 40 तो ये पूछा है। तो अपन तो माइन लगाना है कि अगर 4 लेंगे तो 107 तो हम क्या लेते 3 ले लेते हैं तो 120 तो कैसे लेंगे हम एस प्लस वन और एस प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 226। अब इसे हम सॉल्व करते हैं होना तो दे तो क्या आया था हमने एस प्लस वन एस प्लस टू इंटू 126 3 एस प्लस 3 टोल टू 1 2 6 मीटर तो 3 माइनस हो जाएगा क्या इतना हो जाए 41। तो जो प्रथम संख्या हो जाती वो 41 हो जाएगी आपकी तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये पिता अति आयु 50 वर्ष है राइट और पुत्र त्याग 22 होता है। कितने वर्ष बाप पिता की आयु पुत्र त्याग होती दुधनी हो जाएगी राइट। तो क्या निकालना हमें इतने वर्ष बाद होने तो इसे सॉल्व करने का बहुत ईजी तरीका बता देता हूँ मैं। फादर की वैल्यू थी 50 सन थी तो हमें क्या करना 2 एस प्लस एस करना राइट प्लस एस करना है। तो इधर हम सॉल्व कर देते हैं उसे देखो हमें त्या दूधनी करना है तो दूधनी करना है तो क्या करना पड़ेगा 2 एस अपॉन एस इक्वल टू 50 अपॉन 22। सॉरी ये इक्वेशन नहीं है मैं इक्वेशन तो सॉल्व करवा ये तो शब्द इजी तरीका है ऑप्शन से भी तर सकते हो ना। 50 में 6 जोड़ते हो 22 में 6 जोड़ते हैं सपोज तो यह तीता हो जाएगा 58 और यह हो जाएगा तुम्हारा 68। तो यह दे तो यह एस हो जाए यह 2 एस ऐसे भी हम तर सकते हैं या फिर इसे तरने का या रेशो बनाते भी तर सकते पर यह तो इजी तरीका लाता है। तो अब तक जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 6। तभी तभी क्वेश्चन ऐसे नहीं हो तो आप ऑप्शन से भी तर सकते 6 राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यह वाला 3 एस प्लस 2 एंड 3 एस माइनस 2। तो इसका ये फार्मूला होता है क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला क्या होता है मैं आप तो बता देता हूँ। एस प्लस वन
एन एच प्लस, एच माइनस टू, तो हो जाए एच सताइस स्क्वायर माइनस एताइस स्क्वायर, राइट। या ऐसा ले सकते हो इस फार्मूले तो आप, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है एता स्क्वायर माइनस बीता स्क्वायर। वहाँ पे भी ए ते स्टाम्प पे क्या है आपका थ्री ए और बी ते स्टाम्प पे टू है, तो थ्री एता स्क्वायर माइनस बीता स्क्वायर, तो नाइन एता स्क्वायर माइनस फोर आ जाएगा आंसर आपका आंसर। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, एक आईटीआई का विद्यार्थी साइकिल सवार करते हुए 8 किलोमीटर प्रति आवर से चाल से यात्रा करते अपने घर से आईटीआई तक 2.5 मिनट देर से पहुंचता है और अगले दिन वह अपनी यात्रा 2 किलोमीटर प्रति आवर से गति से समय से 5 मिनट पहले आते पहुंच जाता है तो घर आते के बीच की दूरी। अब इसे निकालने के लिए फार्मूला होता है चालो तंतु, चालो ता गुना अपान चालो ता अंतर, यह हो जाएगा समय ता प्लस समय ता योग, राइट। समय ता ये तो इसे निकालने का एक तरीका बताता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा चाल क्या है आपकी, फर्स्ट चाल 8, दूसरी 10, ने दो ज़्यादा चला, वो दोनों चालों में जो टाइम है वो क्या है 2.5 प्लस 5 अपॉन अंतर कितना हो जाएगा आ यहाँ, अब इसे क्या हो जाएगा 80 × 7.5 अपॉन 2। अब देखो तो यह आवर्स है, तो इस तो हम यह आवर्स में यह मिनट में है, आवर्स में इसे मिनट में कन्वर्ट करते तो 80 × 7। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो अब तक जो आंसर आएगा वह आएगा आपका आंसर 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ दे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो दिया, यदि वर्ल्ड के प्रत्येक भुजा तो 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में 64 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी, तो मूल वर्ग के भुजा देता है। अब दे तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, क्या करते अपन चार, ये से पहली भुजा, अब जो नया वर्ग है होती एस प्लस फोर हो जाएगी, तो एस प्लस फोर जो पहला स्क्वायर हो ऐसे रहेगा तो ऐसे स्क्वायर प्लस 64 हम कर देंगे। अब इस समीकरण तो हल करना है तो क्या हो जाए ऐसे तो स्क्वायर प्लस 8 ऐसे प्लस 16 तो ऐसे तो स्क्वायर प्लस 64, तो यह कैंसिल हो जाएगा, यह इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 8 स्क्वायर 64 माइनस 16 8 स्क्वायर 48 बराबर 8, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला, सॉरी 8 वाला, 8 कहाँ पे दिया इसमें, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सम केंद्रीय वृत्त में क्या समान रहता है, त्रिज्या व्यास केंद्र परिधि,
उत्तर समान रहता है, केंद्र समान रहता है। दोनों के माप की पद्धति तो शो होती है, वृत्तीय पद्धति, क्षत्तीय पद्धति, सततीय या उपरोक्त, तो कौन सी होती है? फर्स्ट वाली, वृत्तीय पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वृत्त का व्यास 28 mm हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाए? तो दे तो फार्मूला क्या होता है आपका, क्षेत्रफल का पाई बाई 4 दी स्क्वायर। तो हम इसे सवाल करते हैं, क्या होता है पाई बाई 4 दी स्क्वायर, यह क्षेत्रफल था 22/32, 7 × 7 × 28, तो 58, ये सॉरी ये 4 है, यहाँ से यह 3, जब आप 22 और 28 × 3 दे तो 616 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2s+5 और 3 - s की वैल्यू निकालना है। त्याय समीकरण 2s+5 = 23 - s, जब इसे आप सॉल्व करोगे ये दे तो यह इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका समीकरण 2s+5 = 23 - s, तो यह इधर आ जाता है 2s+3s+23 - 5, तो 3s = 18, तो s = 18/3 = 6, 6 आ जाए तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका 6, 6 हो जाएगा। नहीं तो मेरे इस चैनल पर आप तो प्रोवाइड द MP पुलिस कॉन्स्टेबल ओल्ड द पेपर, जो व्यापम जो पेपर करवाता उसके ओल्ड द पेपर और ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर, MP पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर, ग्रुप 4 ग्रुप 3 स्टेनोग्राफर के पेपर और मैथमेटिक्स के पेपर, और अभी मैं और सेशन चालू करना वाला हूँ ITO के ओल्ड पेपर भी मैं आज या कल में स्टार्ट कर लूँगा। तो आप यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। अगर मेरा चैनल आप तो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन तो भी क्लिक करे, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आ सकते, और यह सब स्टूडेंट पर पहुंच जाना था। थैंक यू।